ये तो चलता रहा राजनीति में, ये तो सबकी शायद चलता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो राजनीति में चलता रहा, विपक्ष में रहेंगे तो लाठी डंडे खाएंगे, विपक्ष में सत्ता में रहेंगे तो नहीं खाएंगे। अच्छा, विपक्ष में तो लाठी डंडे खाने ही पड़ेंगे। तो मतलब इस बार जो जाट समाज भी है, किसान समाज है, सारी मोदी जी की तरफ, सब मोदी की तरफ है। जैन चौधरी अब शायद चले गए, अब तो कोई कुछ रहा ही नहीं, एक तरफा होगा सब कुछ। जैन चौधरी के जाते सब एक तरफा होगा पश्चिम में। तो जी सब ठगों का बंधन है, ये सब चोर इकट्ठे हो गए एक जगह मोदी जी को ईमानदार आदमी को हराने के लिए। भ्रष्टाचारी सब जेल में जाएंगे, आगे सरकार में हो जाएंगे, कुछ तो पीछे जा लिए, केजरीवाल जी जा लिए और काफी जा लिए। अगर आने वाले चुनाव में जो तीसरी बार बनेंगे ना प्रधानमंत्री मोदी, ये सारे चोर, ये अखिलेश वगैरह सब जेल में जाएंगे। अच्छा, लिख लो आप। विपक्ष में जो भी उम्मीदवार है वे दागदार है, उनके रिकॉर्ड ऐसे है कि वे अपहरण, हत्या, लूट खसोट का उनका एक बड़ा इतिहास है। तो इसलिए गारंटी है कि वेस्ट यूपी के साथ साथ यहाँ पे 80 की 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में, मेरा नाम है प्रिंस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है वो इस वक्त बहुत गर्माया हुआ है। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और यहाँ की जनता से जानेंगे क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार आएगी या जो गठबंधन बन के खड़ा हुआ है वो बाजी मारेगा। क्योंकि राहुल गांधी का तो लगातार यही कहना है इस बार जनता बदलाव चाह रही है। तो मैं कुछ, ये जाट बहुल्य क्षेत्र है, जाट समाज के लोग मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे आखिर 2024 में उनके मन में इस बार क्या नाम है। बाबूजी क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या लग रहा है, एक और तो नरेंद्र मोदी है और एक और राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार जनता बदलाव चाह रही है। कहने तो कुछ भी कह दे, अपने मुंह से कुछ भी कह सके, लेकिन आवेगा तो नरेंद्र मोदी ही। क्यों, मोदी जी क्यों आएंगे, राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे? अरे बेफिक्र हुए फिर मोदी के, योगी के राज में। अच्छा, बेफिक्र बिल्कुल। क्यों, कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था क्या? कांग्रेस तो कह रही है इतनी गुंडागर्दी है बीजेपी सरकार में, रात दिन में लूटने थे उनके राज में, तो भूखी मिलने जानते थे, अपहरण मारे वालों का ही कर लिया था, मारे का ही इसका ही कर लिया था। अच्छा, इसका आपका ही अपहरण कर लिया था आपके लोगों का? हाँ, अपहरण हो गए थे। अच्छा, दिन में ही। तो अब क्या है, अभी तो किसी दौड़ फिर जाओ रात को भी, ट्रैक्टर बाजी पर वही खड़ा रह जा जंगल में। अच्छा, औजार सब नहीं पड़े, बेफिक्र बढ़िया नींद आ रही मोदी के राज में, योगी के राज में मजा आ रहा। विपक्ष तो कह रहा है सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे लड़ाई है, महंगाई के मुद्दों पे बात नहीं करती है सरकार। मंदिर मस्जिद तो बन लिया, महंगाई और वो ही क्या रह गया। अच्छा, मंदिर तो बन लिया। अच्छा, तो मोदी के काम पे है। अच्छा, मुजफ्फरनगर पेरिस में हो रही है ऐसी सड़क। हाँ, जैसी सड़क पेरिस में है ऐसी मुजफ्फरनगर में है, सड़क देखी होगी। हाँ, रपटे चले यहाँ रपटे। अच्छा, केनी सी रेस देनी शामली मिले। अच्छा, इतना बढ़िया है। अखिलेश यादव का कहना है का प्रस्ताव तो हमारा पास था, बीजेपी तो नाम दे रही है बस। प्रस्ताव तो पास में कर दिया, ये सारी दुनिया को खत्म कर दो, प्रस्ताव तो इन्होंने पास कर दिया कल, कौन से कम्युनिस्ट में करना है। इस देश में तो जितनी बारूद जो है ये सब खत्म कर दो, ये परमाणु अस्त्र जो है ये उन्होंने कहा कल, मैं भी सुना, इन्हें खत्म कर दो, इनकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये बताओ आप जाट समुदाय से आते हैं तो जाट इस बार किस ओर है? क्योंकि राहुल गांधी का तो कहना है कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। किसान जाट ही है क्या? किसान तो और भी हैं, लेकिन सब किसान चौकती नरेंद्र मोदी की ढब है, बल्कि मोदी की ढब कम यूपी वाले तो योगी की ढब जाते हैं। अच्छा, योगी जी की? हाँ, योगी की ढब जाते हैं। और मोदी का काम है, विदेशों में भी नाम हो रहा। अच्छा, आज भारत का विदेशों में भी नाम है। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? कुशलवीर सिंह। कुशलवीर सिंह जी, क्या लग रहा है, क्योंकि ये गन्ना बहुल्य क्षेत्र भी है, लगातार विपक्ष कह रहा है कि गन्ने पे तो पैसे ही नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए किसान इस बार नाराज है। अब की बार कोई नाराज नहीं है, किसान भी ठीक है, और बीजेपी से ही इस देश का विकास है। अच्छा, अब तक जितने भी बैंक थे सब लॉस में थे। एक 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 लाख लाख करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहे। अच्छा, और रही बात आपने राहुल की कही थी। हाँ, राहुल के अगर हाथ में सत्ता दे दी। हाँ, तो जो हम वेपन्स बना रहे, जो शक्ति हम मजबूत कर रहे। हाँ, उस शक्ति को तो वो यूं बता रहा पानी में डुबो देंगे हम। अच्छा, हमारा देश दो तरफ से न्यूक्लियर पावर से घिरा हुआ है, और ये हमारी इन शक्तियों को मतलब पानी में डुबोने को फिर रहे। बेरोजगारी नहीं है। हाँ, बेरोजगारी किसने बताई? बेरोजगारी नहीं है यहाँ पे, यहाँ ये तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। हाँ, मेक इन इंडिया। किसान तो परेशान है सरकार में, विपक्ष का लगातार यही कहना है।
कोई परेशान नहीं। राकेश टिकैत कह रहे हैं इस बार सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे मोदी को। सवाल ही नहीं, सत्ता से नहीं 400 पार। अच्छा किसान भी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद जी क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो दो भाइयों की, दो युवाओं की जोड़ी साथ में, अखिलेश भैया और राहुल भैया, कह रहे हैं इस बार मोदी जी को बस गुजरात भेजेंगे, नहीं संभल रहा है देश। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी का विजन जो 400 को पार है, इसको जो है अवश्य जो है सब पूरा करेंगे। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है दोबारा ही और सशक्त होकर मजबूत होकर। किसान तो नाराज है, विपक्ष कह रहा है कि लगातार जात बिरादरियों में बांट रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है। नहीं, कौन बांट रहा है? विपक्ष ही बांट रहा है। विपक्ष की घटिया सोच जो है जाति बिरादरियों में बांट दिया, विकास से कोई कोई लेना देना नहीं। तो ये है कि प्रधानमंत्री सभी को सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है। विपक्ष का कहना है उसमें सारी बातें तो रखी गई है, लेकिन एक तो युवाओं के बारे में नहीं सोचा गया और एक बेरोजगारी के बारे में नहीं देखा गया। बेरोजगारी आज की समस्या नहीं है, काफी दिन से समस्या चल रही है। तो इसमें ऐसा तो नहीं है, प्रधानमंत्री ने बहुत तरह मेक इन इंडिया और कौशल विकास योजना, अन्य तरह की बहुत योजनाएं चला रखी है जिनसे युवाओं को लाभ हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? विनीत बालियान। बालियान साहब क्या लग रहा है, क्या माहौल है फिर इस बार बालियान समाज किस हो रहा है? एक और तो मोदी जी है और अखिलेश भैया हैं और राहुल भैया हैं, क्योंकि दोनों का कहना है इस बार जनता बदलाव चाह रही है। वो बदलाव नहीं चाहिए जनता को, जो पहले भुगत लिया और वो गुंडागर्दी वो किसी को भी नहीं चाह रहा। अब मजा आ रहा, बढ़िया रात दिन बेफिक्र घूम रहे। रही बात किसानों की, गन्ने का भाव जरूर कम बढ़ा इस सरकार में, लेकिन जो भी मिल रहा उसे सुख शांति से बैठ कर खा रहे सभी लोग। राकेश टिकैत का गढ़ है, राकेश टिकैत कह रहे हैं मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे इस बार, नहीं सोच रहे हैं मोदी जी किसी के बारे में। राकेश टिकैत को तो अपनी राजनीति चमकानी, वो कहां उसे लाभ मिल रहा, क्या कर रहा, उससे हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। बड़ा मसीहा कहते हैं किसानों का अपने आप को। किसानों का मसीहा उसकी राजनीति अलग है, ये वोटों की राजनीति अलग है। इस बात को राकेश टिकैत भी कहते हैं कि किसान या जाट हमारे साथ में है, लेकिन वोट हमारे कहने से कोई नहीं देता। उन्होंने खुद अच्छा वोट उनके कहने से कोई नहीं देता, कोई उनके कहने से वोट नहीं देता, वो खुद चुनाव लड़े, खुद अगर उनके साथ में वोट होती तो वे खुद जीत लेते। अच्छा वे खुद ही हार गए, कितनी वोट जमानत जब्त होगी थी उनकी, जमानत जब्त राकेश टिकैत। बिल्कुल, नरेश टिकैत जी का बयान आया कि हम नरेश टिकैत जी का भी बयान आया कि हम किसी को नहीं कहेंगे, सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी वोट डाल सकता है। क्या नाम है जी आपका? आदेश वीर। आदेश जी, बड़ी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस भी देखी, समाजवादी भी देखी, बीजेपी भी देखी, तो 2014 की अगर मैं बात करूं, 2014 से पहले के मुजफ्फरनगर का अगर नाम आता तो लोगों के मन में दहशत आती थी, अब 2014 के बाद के मुजफ्फरनगर में क्या बदलाव? बिल्कुल बेफिक्र हैं लोग, रात दिन 24 घंटे सड़कों पर घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं, पहले दिन में भी जाना भारी था। अच्छा हाँ, तो बहुत अच्छी हालत है, कोई किसी किस्म कोई दिक्कत नहीं है। अरे किसान तो नाराज है इस सरकार से, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है इस बार। बिल्कुल किसान नाराज नहीं है, सब खुश है, अच्छी सरकार है, अच्छा काम चल रहा है, बिजली पानी सड़क चाह पब्लिक को सब कुछ है। अच्छा किसानों के एक बड़े जो नेता है जयंत चौधरी जो कहते थे 54 थोड़ा यूं पलट जाऊंगा, पलट गए, अब क्या कहेंगे? राजनीति में तो चलता ही रहा है, राजनीति तो चलता रहा, कभी कोई इधर कभी कोई उधर, ये तो खेल है राजनीति, राज करने की नीति कुछ भी नीति अपनानी पड़े, राज करना सत्ता सब कुछ है रही। अब किसानों की आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष तो ये कह रहा है कि कहते थे किसानों की आवाज उठाएंगे आवाज उठाएंगे, अब वो खुद उसमें चले गए। सत्ता में जाकर उठाएंगे, सत्ता में अच्छी आवाज उठेगी ना, बिना सत्ता के तो कुछ है ही नहीं, सत्ता में जाकर आवाज उठाऊंगा, अपनी बात बनवाऊंगे। विपक्ष कह रहा है हाथ रस के लाठी डंडे भूल गए, ये तो चलता रहा राजनीति में, ये तो सबके साथ चलता है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो राजनीति में चलता रहा। विपक्ष में रहेंगे तो लाठी डंडे खाएंगे, विपक्ष में सत्ता में रहेंगे तो नहीं खाएंगे। अच्छा विपक्ष में तो लाठी डंडे खाने ही पड़ेंगे भाई। तो मतलब इस बार जो जाट समाज भी है किसान समाज है सारी मोदी जी की तरफ, सब मोदी की तरफ है, जयंत चौधरी अब शायद चले गए, अब तो कोई कुछ रहा ही नहीं, एक तरफा होगा सब कुछ, जयंत चौधरी के जाते सब एक तरफा होगा पश्चिम में तो जी। अच्छा क्या नाम है जी? भरतवीर है जी। भरतवीर जी क्या माहौल है फिर, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि कांग्रेस का कहना है जनता बदलाव चाह रही है, मोदी जी को हटाओ और देश बचाओ। बस जी हम तो मोदी जी को वोट दे रहे, हम तो बीजेपी को वोट दे रहे। क्यों दोगे बीजेपी को वोट? बस अच्छा जी बता दो, अभी सड़क पानी बिजली सड़क पानी बिजली सब सब चीज ओके होंगी, बस और क्या जी, हम तो बीजेपी को सड़क पानी बिजली से मान गए, युवा बेरोजगार है, विपक्ष कह रहा है महंगाई इतनी है, सिलेंडर 400 का था जी, वो तो सारा कोई है जी, महंगाई मुंगे का ज्यादा राजनीति का तो हमें पता नहीं, हम तो बीजेपी को वोट दे रहे, बीजेपी को वोट देंगे बस। क्या कह रहे हैं जी?
900 का 816 का ही तो सिलेंडर क्यों झूठ बोल रहा है पत्रकार भाई? हाँ बता, 816 का नहीं है? 816 का 800 का ही तो और बस नहीं, 1200 का बता देने भी। 800 का कहाँ है हमने? 1200 का नहीं बोल रहा? 800 का कहाँ है? 800 का। हाँ पहले कह रहे हैं विपक्ष हमारी सरकार में तो 400 का था। कौन कह रहा? 400 राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे वो तो झूठ बोलता, फिर उसे कौन सुन रहा? कौन? राहुल। राहुल गांधी ने 70 साल राज किया है देश पे, और जब भी तो पैड मिटा दी देश की, और क्या कर रहा उन्होंने? पैड नहीं मिटाई। अच्छा, सारे देश में गुंडे माफिया पाल दिए उन्होंने। अच्छा, और कह रहे हैं इस बार तो जनता बदलाव चाह रही है, मोदी जी को गुजरात भेजो, बस नहीं संभल रहा। अरे हाँ, जनता बदलाव चाह रही है ये। हाँ। जनता तो एक तरफा है, तू देखे सारी सारी सीट उसी की जान भाजपा। गठबंधन बन के तैयार है, दो युवाओं की जोड़ी है साथ में, राहुल भैया अखिलेश भैया। पहले माया भी साथ थी और जब कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ अब का क्या होगा? आपको तो कुछ भी नहीं होता है, एक तरफ के कुछ नहीं होने का, एक तरफा मामला। हिंदू और मुसलमान पे लड़वा रही है बस सरकार। मुसलमान कोई नहीं, मुसलमान भी वोट दे रहे। मुसलमान दे रहे संजय मचल, सारे मुसलमान वोट दे रहे नलके को। अच्छा, और क्यों ऐसा क्या दिख रहा है बीजेपी में? इसमें तो सब चीज दिखाई दे रहा है, और तू भी सुरक्षित फिर रहा है। अच्छा, और तेरा भी कैमरा खोस लेते हैं लोगों को। अच्छा, दिखे बदमाश। अच्छा, हाँ और क्या? अच्छा, सुरक्षित फिर रहे। अच्छा, कैमरा खोस को भाग जाते, हम देखे पत्रकार भी मरते हुए बहुत। अच्छा, हाँ हम चाह सब पहले अपनी सुरक्षा। अच्छा, हमारी सुरक्षा सुरक्षित रहेंगे तो जिंदे रहेंगे, कुमाओगे भी खाओगे भी, और जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे हम कर लगे क्या बता? कि पहले सरकार में सुरक्षित नहीं थे क्या किसान? और अब पूछो ना बस, आदमी को मैं दे दे तुम दसी। अच्छा, बर्बिन लगन दे दे, और हो नहीं था कुछ भी। हाँ अब सुरक्षित हैं सब। और अच्छा, मोदी जी का जो 400 पार का नारा है कामयाब होगा? 400 पार का नहीं हमें पता भाई, पूरे हिंदुस्तान की जानकारी हमें नहीं। अच्छा, हम तो बड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पता नहीं। यो अखिलेश भैया कह रहे हैं 80 की 80 ले जाऊंगा पश्चिमी यूपी की। अखिलेश का तो खत्ता भी खुलना भैरी, तू 400 बता रहा खाता? और राहुल गांधी साथ में है? राहुल गांधी की तो जमानत जब्त हो रही भाई, तो कई होरा कर ले। अच्छा, क्या नाम है भाई? अंशुल। अंशुल भाई, एक और अखिलेश यादव है, एक और राहुल गांधी, दोनों लगातार यही बात कह रहे हैं, जनता इस बार बदलाव चाहती है, इस सरकार में तानाशाही है, ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कुछ नहीं ना, लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ ठीक है, अब आर्थिक स्थिति भी ठीक है, सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है, यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं है, जो हमारे देश हित में काम हो रहे सब। ये तो लोगों की मानसिकता, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, और हम जो है अब की बार जो है और 400 पारी लेकर जाएंगे। 400 पारी लेकर जाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 80 तो पूरी ले जाऊंगा। वे तो बकवास कर रहे हैं, उनके उसका कुछ नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिलने का, ठीक है नहीं। राहुल गांधी कोई युवा बताओ है, कोई ना युवा बताओ, युवा कहाँ, 54 साल के आदमी है, बुढ़े हो लिए में, ठीक है नहीं, युवा हो रहे हैं ऐसे। अरे किसान हमारी साथ है, इस बार किसान परेशान है, किसान की कमर तोड़ी इस सरकार ने। किसान कोई परेशान नहीं, किसान सब ठीक है, सुरक्षा चाहिए किसान को भी। क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है फिर इस बार, जनता क्या चाह रही है? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार इंडी गठबंधन पूरा बन के तैयार है, और जनता बदलाव चाह रही है। ये सब ठगों का बंधन है। हाँ। ये सब चोर इकट्ठे हो गए एक जगह, मोदी जी को ईमानदार आदमी को हराने के लिए। हाँ। भ्रष्टाचारी सब जेल में जाएंगे, आगे सरकार में हो जाएंगे, कुछ तो पीछे जा लिए, केजरीवाल जी जा लिए और काफी जा लिए, आगे वाले चुनाव में जो तीसरी बार बनेंगे ना प्रधानमंत्री मोदी, ये सारे चोर ये अखिलेश वगैरह सब जेल में जाएंगे। अच्छा, लिख लो आप, क्योंकि हमारे जो है ना यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बाहुल और किसान बहुल क्षेत्र है ये। हाँ। यहाँ पर जो है ना थोड़ा भाजपा के साथ में विरोध था। हाँ। राष्ट्रीय लोकदल का। हाँ। वो एक गठबंधन एक हो गया। हमारे गांव में या क्षेत्र में जो हमारे मुजफ्फरनगर में है, जो जाट लोग थे आधे भाजपा में थे आधे लोकदल में थे। अच्छा। और अब ये जो हमारे और अदर जाति थी जैसे कुमार है, कश्यप है और बाकी जाति थी, ये सब थे भाजपा में। अब जब दोनों मिल गए तो डबल पावर होगी। अच्छा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी सीट मोदी को मिलने वाली है, मोदी जी को मिलने वाली है। विपक्ष का कहना है अगर बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लेना तो 10-20 सीट नहीं निकल पाएंगे मोदी। नहीं सर, जो हारता आदमी क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो कहेगा, हारने वाला आदमी तो कुछ ना कुछ कहेगा, ये हार रहे हैं और बैलेट पेपर पे हारेंगे, निश्चित हार है इनके लोगों की, क्योंकि ये सारे चोर इकट्ठे हो गए एक जगह। अच्छा, हाँ कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी करा देते हैं मोदी जी, तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अपने घर क्यों नहीं बैठते? चुनाव क्यों लड़ रहे हैं फिर? अपने घर बैठो। अच्छा, चुनाव लड़ना जरूरी है, जब पता है गड़बड़ी होगी तो क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों हाथ जोड़ रहे लोगों के? अच्छा, निर्विरोध बनने दो सबको, निर्विरोध बनने दो ना, फिर निर्विरोध बनने दो, तो उनको पता गड़बड़ होगी तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं लोग, पागल है ये, मेंटल सिस्टम है ये। अच्छा, हाँ जी, इनकी हार निश्चित है। अच्छा, निश्चित है, फिर भी चुनाव लड़ रहे, देखो कितने पागल होंगे, जो राहुल गांधी और जो अखिलेश कितने महामूर्ख होंगे, हाल में चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हम तो ये लोकदल, ये क्या नाम, मोदी जी तो मशीन बदलेंगे,
पता है ना मशीन बदलेंगे, आपको पता है मशीन बदलेंगे, गड़बड़ तो करेंगे में, आप कह रहे हो तो फिर विपक्ष कह रहा है हम नहीं। हाँ तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, पागल नहीं है, पागल नहीं आए जब भाई हमें तो बदलनी मशीन। हाँ पंजाब में क्या क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था, क्यों नहीं बदली मशीन भाई, यहीं जहाँ हार में मशीन बदलेंगे, जहाँ जीतेंगे वहाँ कुछ नहीं। कर्नाटक में नहीं बदली मशीन भाई, यहाँ यहीं यहीं बदलेंगे जहाँ हारेंगे। इसलिए भाई ये हार रहे हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये अब जो है ना ये इस सरकार में, अब क्या मुलायम को भी एक सीट नहीं मिलनी। अच्छा, एक भी सीट नहीं मिलनी, एक नहीं मिलनी बिल्कुल भी। 80 की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, कुछ खत्म है बिल्कुल, अखिलेश यादव खुद परेशान है, थोड़ी सी और वो बांट के हिंदू मुस्लिम बांट के ले जाएगा, बाकी और कोई वोट नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ, क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर जय कुमार। डॉक्टर जय कुमार जी, अखिलेश यादव और राहुल भैया की जोड़ी साथ में है, कह रहे हैं इस बार तो मोदी जी गए गुजरात, बस हो गया काम, बहुत देश 10 साल संभाल लिया देश। ऐसा है, ये परिवारवाद की जो अब तक राजनीति होती आई थी, अखिलेश जी की और राहुल भैया की दुकान बंद हो चुकी, उसका कारण है कि जो उत्तर प्रदेश हमारा 26 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, और उसके दो ये जो गठबंधन हुआ है उसके जो युवा नेतृत्व है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है यूनिवर्सिटी के, और इसी प्रकार चौधरी जयंत जी हमारे दिल्ली स्कूल वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, तो एक अर्थशास्त्री और एक मैथमेटिक्स के विशेषज्ञ इस प्रदेश की बागडोर संभाल रहे, और पूरे प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, बाकी जो जितने भी परिवारवाद की दुकानें थी वो सब बंद हो गई। और अगर हम आपने मुजफ्फरनगर को देखे तो डॉक्टर संजीव बालियान जी जो 2014 का उनका रिकॉर्ड था उसे भी तोड़ते हैं, बहुत बड़े 6 लाख के मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे, और उसका कारण है मुजफ्फरनगर में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो आज़ाद भारत में अब तक नहीं हुए, जैसा कि खेल यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर उससे अलग एक महिला यूनिवर्सिटी भी प्रस्तावित है, उसको स्वीकृति भी मिल चुकी शासन से, डबल लाइन रेलवे का ट्रैक हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे 38,000 करोड़ रुपए का मुजफ्फरनगर के चारों तरफ को हाईवे का नेटवर्क खड़ा किया गया है, और यहाँ पर मुजफ्फरनगर में एक 2,500 करोड़ रुपए का एक ऐसा ऑक्सीजन सिस्टम यहाँ पे सेफ जोन में रखा गया है कि ताकि कोरोना जैसी अगर कोई दोबारे से महामारी आती है तो मुजफ्फरनगर जिला सेफ जोन में रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका मुजफ्फरनगर के अंदर, तो ये बहुत सारे कारण है कि डॉक्टर संजीव बालियान जी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ करके चुनाव जीतेंगे, और विपक्ष में जो भी उम्मीदवार है वे दागदार है, उनके रिकॉर्ड ऐसे है कि वे अपहरण हत्या लूट खसोट का उनका एक बड़ा इतिहास है, तो इसलिए गारंटी है कि वेस्ट यूपी के साथ साथ यहाँ पे 80 की 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे।